हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर जर्नल कर रहे हैं। टॉपिक भी जर्नल है। ओके, हमने यहाँ पर दो रूल्स कंप्लीट किए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसी पर हम आज दोबारा डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले मैं रूल यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो रूल हमारा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड रूल को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग फर्स्ट और सेकंड रूल को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए आज कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर जैसे हमने यहां पर लिखा सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, राइट। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10 लाख, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि सियाराम यहां पर एक बंदा है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया, राइट। अगर सियाराम ने बिजनेस शुरू किया है तो सियाराम क्या हो गया, ऑनर हो गया, बिजनेस का ऑनर। बस में आ गई। तो हम बोलेंगे सियाराम ऑनर है, उसने यहां पर बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। 10 लाख रुपीज बिजनेस में लगाए और बिजनेस शुरू कर दिया। बस में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी देखो क्या बोलता है। अकाउंटेंसी बोलता है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, राइट। अकाउंटेंसी क्या बोलता है, ऑनर इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस, मतलब ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने अपने घर पे पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक रजिस्टर परचेज करना है, तो आपके फादर ने बोला कि बेटा जा शर्मा अंकल की शॉप से लिया, क्योंकि शर्मा अंकल नोन है तो उनकी स्टेशनरी की शॉप है। तो यहां पर फादर ने क्या बोला कि शर्मा अंकल की शॉप से ले आओ। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, शर्मा अंकल और शॉप दोनों को मिला दिया। अकाउंटेंसी बोलती है कि नो, शर्मा अंकल अलग है, राइट, और शॉप अलग है। ओके, तो अकाउंटेंसी बोलती है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। जिस तरह से हम ऑनर को एक पर्सन की तरह देखते हैं, यहां पर ऑनर एक इंसान है, उसी तरह से आप बिजनेस को भी क्या मानो, एक पर्सन मानो, एक इंसान मानो, राइट। इसलिए अकाउंटेंसी में हम बिजनेस को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। एक्चुअल में तो होता नहीं है, राइट। तो अकाउंटेंसी क्या बोलता है, ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, राइट, फाइन। ऑनर इंसान है तो बिजनेस को भी एक इंसान की तरह मानो। अब ये एक्चुअल में तो इंसान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में, बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। फिर अकाउंटेंसी क्या बोलता है कि उसको ऑनर से कोई मतलब नहीं है, वो सारी एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, राइट। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी ट्रांजेक्शन है वहां पर मैंने सब जगह क्या लिखा हुआ है, बी। बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, बिजनेस को कौन दे रहा है, बिजनेस से कौन ले रहा है, हम सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। बात में आ गई। इसलिए हर जगह मैंने आपको बी लिख के बोला कि आप बी लिखें, राइट। और फिर हमने इस तरह से किया, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। इतनी बात में आ गई। तो मैंने थोड़ा सा बताया, पूरा नहीं बताया। अकाउंटेंसी बोलता है ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेस भी एक पर्सन की तरह है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ऑनर को
सॉरी अकाउंटेंसी को ऑनर से मतलब नहीं है, सारी एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। इतना क्लियर है? चलिए थ्योरी में भी इसको दोबारा पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफी है, आगे चलते हैं। इसको पॉज करके आप लिखते जाइएगा जो भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब आप देखो क्या बोल रहे हैं, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, राइट। तो देखो हमें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में क्या आया, कैश, और बिजनेस को ये कैश कौन दे रहा है, सियाराम। तो सियाराम इस कैश का क्या हो गया, गिवर, समझ गए। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इसको कि बिजनेस में क्या आया, कैश, और बिजनेस को ये कैश कौन दे रहा है, सियाराम। तो जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिवर। तो अभी मैंने बताया सब कुछ हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चलिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो यहां पर बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश, एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो क्रेडिट यहां पर क्या हो जाएगा, सियाराम, राइट। बस में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, सियाराम बिजनेस का ऑनर है, राइट। ऑनर का नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, राइट। ऑनर के नाम की जगह हम वर्ड यहां पर यूज करेंगे कैपिटल, राइट। पास में आ गई। तो ऑनर के नाम की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग, कैपिटल, ओके। चलिए अब हमें इसको स्पेशल वे में लिख देना है जैसे हम लिखते हैं हमेशा, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 10 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। पॉज करके लिखें फिर अपन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं हम लोग यहां पर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, राइट। फाइन, बिजनेस में से, ऑफिस मतलब बिजनेस में से, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, राइट। तो आप देखिएगा बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा कौन निकाल सकता है, ऑनर, क्योंकि ऑनर के अलावा कोई और निकालेगा, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, इट विल बिकम अ थेफ्ट। तो एम्प्लॉय नहीं निकाल सकता, ठीक है, राइट। तो यहां पर आप देखो विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला, तो कौन निकाल सकता है, ऑनर। ये लिखा हुआ तो नहीं है, हम समझ जाएंगे कि भाई पर्सनल यूज लिखा हुआ है तो ऑनर ही पैसा निकाल सकता है, राइट। एनीवे हमें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस से क्या गया, कैश, राइट। और इस कैश का रिसीवर कौन है यहां पर, ऑनर, ठीक है, बस में आ गई। तो क्या बोल रहे हैं, देखो विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस में से क्या गया, कैश, और इस कैश को रिसीव कौन कर रहा है, ऑनर रिसीव कर रहा है, ठीक है। क्यों माना ऑनर मैंने, क्योंकि यहां पर पर्सनल यूज के लिए पैसा सिर्फ ऑनर निकाल सकता है, तो हमने ये राइट एज्यूम कर लिया कि भाई अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ऑनर ने ही निकाला है। इतनी बात में आ गई, ठीक है। अब आप देखो रूल है डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट यहां पर क्या हो जाएगा, ऑनर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज कैश,
अब मैंने आपको बोला था कि ऑनर का हम नाम नहीं लिखते हैं, राइट? यहां पर हम नाम की जगह वर्ड यूज करेंगे ड्रॉइंग्स, राइट? तो अभी तो मैंने कैपिटल यूज किया था, अभी ड्रॉइंग्स, यस। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। किस तरह से? अगर ऑनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, राइट, इफ इज इंट्रोड्यूसिंग द कैश इनटू अ बिजनेस, तो उस केस में ऑनर के नेम के आगे कैपिटल आएगा। पर अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो फिर हम वर्ड क्या यूज करेंगे यहां पर? ड्रॉइंग्स। समझ गए मेरी बात? तो अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है ऑनर, तो हम उसके नेम की जगह वर्ड यूज करेंगे ड्रॉइंग्स। बट अगर वो बिजनेस से पैसा डाल रहा है, मतलब ही इज इंट्रोड्यूसिंग द कैश इनटू अ बिजनेस, तो उस केस में हम लोग वर्ड यूज करेंगे कैपिटल। ओके, चलिए अब हम इसको खास तरीके से लिख देते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 10,000। क्लियर है इतना? राइट, तो पॉज करके लिखो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। चलिए भाई, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। ओके, चलिए कुछ एंट्रीज पिछले वाले उसके भी देख लेते हैं, राइट, जो हमने करी थी दोबारा देखते हैं यहां पर। ओके, जैसे मैंने यहां पे लिखा सोल्ड कार फॉर कैश, ठीक है, हमारे पास कार थी, हमने बेच दिया 1,00,000 रुपीज में, पुरानी गाड़ी थी, बेच दी हम लोगों ने, है ना। गुड्स तभी मानेंगे जब गुड्स लिखा हुआ हो, गुड्स नहीं लिखा हुआ, राइट, यहां पर कार लिखा हुआ है। ओके, तो अगर हमने कार बेच दिया तो बिजनेस में से क्या गया? कार। क्या आया? कैश, राइट, हमने कार बेच दी और पैसा आ गया, बस में आ गई, ठीक है। तो रूल क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, राइट। तो क्रेडिट यहां पर क्या है? कार, ठीक है, कार की जगह हम कार नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे व्हीकल, ठीक है, ऐसा हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो एंट्री क्या आ जाएगी यहां पर? कैश अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, ठीक है, कितना? 10,000, राइट। आप पहले कर चुके हो पर पॉज करके इसको लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अब आप देखिएगा, यहां पर हमने लिखा गुड्स रिटर्न्ड टू राम रुपीस 15,000, राइट, हमने क्या किया? राम को गुड्स वापस कर दिया। वापस क्यों किया? हमने खरीदा था उससे, ठीक है, राइट, और वो अच्छा नहीं था, 15,000 का गुड्स हमने उसको क्या कर दिया? वापस, राइट, आपने राम से खरीदा होगा इसलिए तो उसी को वापस करोगे ना, जिससे खरीदा है अगर अच्छा नहीं है तो उसी को वापस करेंगे। तो यहां पर हम सीधे इस एंट्री पे आ गए हैं, गुड्स रिटर्न टू राम, हमने राम को गुड्स वापस कर दिया, राइट। एनीवे, अगर हमने वापस कर दिया तो बिजनेस से क्या गया? गुड्स, राइट, हम उसकी शॉप पे गए, ठीक है, राइट, फाइन, शॉप पे गए, हमने बोला कि भाई ये पकड़ लो, ये अच्छा नहीं है, तो हमने उसको वापस कर दिया, राइट, फाइन। और इस गुड्स को हमने किसको दिया? राम को।
भी राम के हाथ में पकड़ा दिया, पकड़ लो। तो इस गुड्स का रिसीवर कौन है? राम, राइट? बस में आ गई। अब आप देखो यहां पर एक्चुअली नाम लिखा हुआ है, देख रहे हैं ध्यान से? तो मैंने आपको समझाया था अगर नाम लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये उधार वाली एंट्री है, क्रेडिट वाली एंट्री है। तो अगर हमने गुड्स वापस कर दिया तो राम हमें पैसे नहीं देगा, क्यों? क्योंकि हमने उससे उधार में खरीदा था। नाम लिखने का मतलब ये होता है कि ये उधार वाले ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। इतनी बात में आ गई, ठीक है, राइट? तो देखो गुड्स रिटर्न टू राम मतलब हमने उधार में खरीदा था, हम वापस कर रहे हैं, राइट? तो नाम लिखते ही आप समझ जाना, राइट? सिर्फ नाम लिखा होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये उधार वाला ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो हमने यहां पर देखा गुड्स रिटर्न टू राम, तो बिजनेस से क्या गया? गुड्स, और इस गुड्स का रिसीवर कौन है? राम, ठीक है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर राम, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज गुड्स। अब देखो हम गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखेंगे, इसकी जगह वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग? परचेजेस रिटर्न। मैंने आपको यही बताया था अगर हम खरीदा हुआ वापस कर रहे हैं तो परचेजेस रिटर्न, ठीक है? नाम भी देखो ऐसा ही है, परचेजेस रिटर्न, खरीदा हुआ वापस, ओके? चलिए अब हम इसको खास तरीके से लिख देते हैं, राम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है? इधर लिख देते हैं डेबिट, कितना आ जाएगा? 15,000। इतना क्लियर है? पॉज करके लिखें, एक और एंट्री करते हैं। चलिए अब एक सेल्स रिटर्न की और एंट्री देखेंगे, उसके पहले हम सेल्स वाला भी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहां पर लिखा सोल्ड गुड्स टू मोहन, हमने मोहन को 1 लाख रुपीस का गुड्स बेचा, राइट? सोल्ड गुड्स टू मोहन, नेम लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ नहीं है, तो उसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, राइट? चलिए अगर हमने गुड्स बेचा है तो बिजनेस से क्या गया? गुड्स, और ये गुड्स हम किसको दे रहे हैं? मोहन को, मोहन उसको रिसीव कर रहा है, तो मोहन इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, ठीक है? तो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, दैट इज मोहन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज गुड्स। हम लोग गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखेंगे, हम सेल कर रहे हैं यहां पर, तो इसकी जगह वर्ड क्या आ जाएगा? सेल्स, राइट? नाउ वी राइट इट इन ए स्पेशल वे, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट? कितना? 1 लाख, ठीक है? पॉज करके लिखिए, फिर आगे बताता हूं। चलिए तो देखो हमने मोहन को 1 लाख रुपीस का गुड्स बेचा, राइट? अब इस मोहन की स्टोरी को ही हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है? तो देखिएगा गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन, राइट? मोहन को हमने गुड्स बेचा था, उसमें से 20,000 रुपीस का गुड्स खराब था, तो मोहन ने हमें वापस कर दिया। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन ने हमको वापस कर दिया। भाई मोहन ने हमें फोन किया, भाई अभी आपने इससे पहले एंट्री देखी थी ना, मोहन को हमने गुड्स बेचा था 1 लाख रुपीस का, अब उसको उसमें से 20,000 रुपीस का समझ में नहीं आया,
उसने बोला कि भाई ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। उसने फ़ोन किया कि भाई 20,000 का गुड्स हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमने बोला वापस कर दो। तो मोहन ने हमें गुड्स वापस कर दिया। अगर वो वापस कर देगा तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स। मोहन ने लाकर हमें दे दिया गुड्स, बस में आ गई। तो बिजनेस में क्या आया? गुड्स। और ये गुड्स हमें कौन दे रहा है? मोहन। ठीक है, तो मोहन इसका क्या हो गया? गिवर। ठीक है, नेम लिखा हुआ है उसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब आप देखो बिजनेस में क्या आया? गुड्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज गुड्स। क्रेडिट द गिवर, दैट इज मोहन। अब देखो गुड्स की जगह गुड्स नहीं लिखेंगे, राइट? इसकी जगह वर्ड क्या यूज होगा? हमने जो बेचा था वो वापस आ गया, सेल किया था वो रिटर्न हो गया। ओके, तो गुड्स की जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे यहां पर? सेल्स रिटर्न। ठीक है, नाउ यू राइट इट इन अ स्पेशल वे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, राइट? 20,000। ओके, पॉज करके लिखें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो समझ जाना है, कहीं पर भी अगर कैश नहीं लिखा है, कैश की जगह नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि ये उधार वाला ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा, कई बार परचेज सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप थोड़ा अभी के लिए याद रख सकते हैं, बाद में कंडीशंस चेंज होती हैं। अभी के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, परचेजेस और सेल्स रिटर्न ये हमेशा क्या होंगे? डेबिट, राइट? सेल्स एंड परचेजेस रिटर्न ये हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट। अभी के लिए, बिगिनिंग के लिए ऐसा कर सकते हैं, आगर जाके परचेज को लेके कुछ चेंजेस आएंगे, फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, राइट? ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। मतलब अगर आप खरीद रहे हो तो डेबिट ही होगा परचेज, और सेल्स रिटर्न भी क्या होगा? डेबिट। सेल्स और परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। बात में आ रही है? तो कहीं पर भी नाम लिखा हो, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी, कहीं पर भी नाम लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? वो उधार वाली एंट्री है। ठीक है, राइट? कैश नहीं लिखा होना चाहिए, कैश की जगह नेम लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चीज उधार में खरीदते हैं, राइट, क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो वहां पर नेम लिखा होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ एक वर्कशीट दूंगा, मतलब एक होमवर्क आएगा, उसको आप करिएगा। ठीक है, राइट? तो आपके बाकी और जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्ड रूल पढ़ेंगे, दो तो हो चुके हैं, थर्ड रूल हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।